अतीक अहमद, बच्चा पासी, दिलीप मिश्रा समेत तमाम माफियाओं को तगड़ी आर्थिक चोट देने के बाद अब पुलिस की नज़र उनके गुर्गों पर है। माफिया गिरोह के ऐसे एक दर्जन सदस्यों की कुंडली पुलिस खंगाल रही है। न सिर्फ कानून व्यवस्था की तैयारी है, उनकी संपत्ति का ब्यौरा जुटाने में पुलिस जुटी हुई है। जल्द ही इन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क भी किया जाएगा। माफिया के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत माफिया के करोड़ों की संपत्ति पुलिस कुर्क कर चुकी है। अतीक अहमद के साथ ही दिलीप मिश्रा और कई अन्य के नाम इसमें शामिल हैं। हालांकि अब तक इनके गुर्गों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी है। माफिया के गैंग चार्ट में शामिल कई नाम ऐसे हैं जिनके खिलाफ अब तक कार्रवाई लंबित है। सिर्फ अतीक अहमद गिरोह की बात की जाए तो ऐसे आधा दर्जन नाम है जो गैंगस्टर के मुकदमे में नामजद होने के बावजूद अब तक कार्रवाई की जद से बाहर है। खास बात यह है कि इनके खिलाफ चार्जशीट लगने को काफी वक्त बीत चुका है। इसके बावजूद उनके संपत्तियों पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी है। इसी तरह बच्चा पासी और दिलीप मिश्रा गिरोह के भी कई गुर्गों के नाम है जिन्हें आर्थिक साम्राज्य पर अब तक चोट नहीं पहुंचाई जा सकी है। हालांकि अब माफिया के इन्हीं करीबियों पर पुलिस की नजर है। ऐसे एक दर्जन नामों की सूची तैयार की गई है जिनके कुछ संपत्तियों के बारे में पुलिस ने पता लगाया है और अन्य के संबंध में जानकारी जुटाकर क्रम जारी है। सूत्रों का कहना है कि जल्द उच्च अधिकारियों के माध्यम से इन संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति मांगने के संबंध में रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी जाएगी। एसपी क्राइम सतीश चंद्र ने बताया कि गैंगस्टर के जो भी मुकदमे लंबित हैं उनकी समीक्षा की जा रही है। चुनाव के मद्देनजर इन मामलों में और तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।